बच्चों कंजर आते हैं, साग भाजी की कोई कमी ना हो। चलो ठीक है, दे दो। अरे ये तेरा तराजू के साथ टेढ़ा मेढ़ा है, यानी तुम लोग वो हर जगह बेईमानी सोचती है। अरे बहू जी, अब तुमसे क्या बेईमानी करेंगे, सामने तो जोक नहीं, देख लो ना। ठीक से जोक, खबरदार जो डांडी मारी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चल अब दे दे। हाँ लो। हाँ झोकरी दे। और दे, सब दे। स्वामिनी है, वो लाख चाहती है कि वो अपने पति को प्रसन्न रखे, उन्हीं के इशारों पर चलती है, और जो बात वो एक बार सुन लेती है उसे गांठ बांध लेती है। मगर रोज ही तो कोई नई बात हो जाया करती थी। और तुरंत ही कुंदन लाल को उपदेश देने का मौका मिल गया। एक दिन बिल्ली आकर दूध पी गई तो उस पर राजेश्वरी ने उसको रूल से इतनी तेज मारा कि वो दो तीन लुढ़कियां खा गई। अरे 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 अरे, वो मर जाती तो मेरे घर का दूध क्यों पी गई? अरे तो उसे मारने से तुम्हारा दूध वापस तो ना मिल गया? अरे कोई जब नुकसान करता है ना तो गुस्सा तो आता ही है। ना आना चाहिए, ना आना चाहिए। पशु के साथ मनुष्य भी पशु क्यों बन जाए? फिर हम में और उनमें फर्क ही क्या रह जाता है? तकदीर में लिखा होगा तो होगा, उसमें हमारा क्या बस। दे दे माई, दे दे, दे दे माई, दे दे, दे दे माई, दे दे। भिक्षु, दे दे माई, दे दे। ओ बाबा अंदर आ जाओ। दे दे माई, दे दे, दे दे माई, दे दे, दे दे माई, दे दे। अरे यहाँ काज, चल पीछे, पीछे चल, पीछे, पीछे, पीछे। क्यों? बाप ने नहीं रखा? बाप ने मेरी माँ को रखा। मेरा नाम क्या रखते?
दिया। बेटा मैं नहीं आऊंगा। आ जाओ आ जाओ। कौन मारती है? नहीं कोई खुशी नहीं। कौन मारती है? नहीं नहीं स्कूल की टीचर है क्या? नहीं रुको। नहीं हाँ रामेश्वरी तुम्हें तुमसे आज क्या कहना था? देखो कल फिर तुमने वो बात की। देखो फिर आ गया। हाँ तो मैं कहता हूँ तलाक दे दो। भिक्षु गया, भिक्षु, भिक्षु, भिक्षु गया। और तुम उसे डांट रही हो? इन लोगों की देखभाल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भिक्षु को ऐसे ना धुतकारना चाहिए रामेश्वरी। सारा दिन इनका तांता लगा रहता है, ऐसा मालूम होता है कि पूरा का पूरा देश भिखारियों से भर गया। तुम भी इसी देश में बसती हो? हट्टे कट्टे मुसंडे, कोई काम क्यों नहीं करते ये लोग? कोई आदमी इतना नीच भी नहीं होता कि काम में जाने पर भी भीख मांगे। हाँ अपंगों की बात तो और है, उन बेचारों के पास भीख मांगने के सिवा सहारा ही क्या है? तो सरकार इन लोगों के लिए कोई अनाथालय क्यों नहीं खोल देती? जब स्वराज हो जाएगा तो वो भी खुलवा देगी, अभी कोई आशा नहीं। लेकिन स्वराज भी धर्म से आएगा। लाखों पंडे पुजारी जो मुफ्त का माल खाते हैं इतना धर्म काफी नहीं है? और धर्म से अगर स्वराज आना होता तो कब का मिल चुका होता। ये धर्म का ही प्रसाद है जो आज तक हिंदू जाति जीवित है, वरना कब की रसादर पहुंच चुकी होती। रोम, यूनान, ईरान, सीरिया, इन सब का नामो निशान तक नहीं है, और ये हिंदू जाति ही है जो आज तक समय के क्रूर आघातों का सामना करते चले आ रही है। मुझे लगता है हिंदू जाति जीवित है, मैं तो इसको कब से मरा हुआ समझ गई, जब से ये लोग आधीन हो गए। और वैसे भी जीवन तो स्वाधीनता का नाम, गुलामी तो मौत है। मौत है क्या? रक्त का विवाद करती हो? लजाती तो नहीं? बस फिर एक दिन कुंदनलाल ने हम दोस्तों को दावत दी। रामेश्वरी सुबह को रसोई में घुसी, शाम तक अपना सिर ना उठा सकी। उसे यह बात बड़ी ही बेकार मालूम हो रही थी कि अगर दोस्तों की दावत करनी ही थी तो खाना बनवाने का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया, सारा भार उसी के ऊपर डाल दिया। अरे उससे अगर एक बार पूछ लिया होता, हाँ होता तब भी यही जो अब हो रहा है। मगर फिर उसे लगता कि दावत वो दे रही है। चलो फिर खाना खाना शुरू करते हैं। जी वैसे पूड़ियां अंदर हैं, हलवा भी है, शोरबा। अरे पेट क्या बहुत स्वादिष्ट। अरे लेकिन खबर मिली तो उन्होंने तुरंत जलपान के लिए मिठाई भेज दी। अरे भाई साहब मेरे रहते हुए खाओ पियो। तुमने ये बुरा रोग पाला। अरे कैसा रोग? अरे इन्हें टहला क्यों नहीं देती?
क्या बिगाड़ते हैं? कम से कम रोज की चप्पल दे रहे हैं, और अगर ऐसी खातिरदारी रही ना तो जीते जी टलेंगे भी नहीं। मुझसे ये नहीं होता कि कोई दो चार दिन के लिए मेरे घर में आ जाए और मैं उसकी सर हो जाऊं। भाई साहब, अरे भाई साहब की बहन, ऐसे मूर्खों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सर ना चढ़ाया होता ना तो अब तक लंबा हुआ होता। जब दिन में 3 से 4 बार खाना और 50 बार पान मिले तो कैसे कुत्ते ने काटा है जो अपने घर जाए। अरे माफी का चोर होना तो बुरी बात है ही, लेकिन कम से कम गोपादर और प्रसादर का तो विचार कर लेना चाहिए। आलसियों को खाना खिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है। अरे जहर से तो केवल काट जाते हैं, ऐसी खातिरदारी से आत्मा का सर्वनाश हो जाता है रामेश्वरी। अगर ये हजरत एक महीने भी रह जाएगा तो इनसे कुछ काम ना होगा, जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएंगे और इसका सारा दोष तर्क का ताता बंद गया और प्रमाणों की झड़ी सी लग गई। रामेश्वरी तो वहां से सिसिया कर चली गई थी। फिर काफी समय बीत गया और एक दिन गांव से भैंस का ताजा किया। यहाँ तो बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो गया था। रामेश्वरी ने वो घी निकालकर एक मटके में रख दिया और फिर जब नौकर उनका काम करने आया तो उसने चाहा कि वो उस मटके को उठाकर छींके या आले पर रख दे, मगर जब उसने वो उठाया तो गलती से उसके हाथ से टूट कर गिर गया। उठा के ऊपर छींके पे रख दिया था। उसके हाथ में भी ना
पर बैठ जा, बैठ जा। सारा नहीं गिर गया और जी।
आदमी के स्वभाव का कोई भरोसा ही नहीं हो, उसे कोई कहां तक और कैसे खुश रखे। उसे मैंने बिल्ली को क्या मार दिया, आप लगे दया और उदारता के भाषण देने। आज वो दया और उदारता कहां चली गई इनकी। मैं तो समझ लूंगी कि कोई कुत्ता भौंक रहा है, भो 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 भो। अगर ऐसा क्यों करूं, मैं इनकी मर्जी के बिना कोई काम ही नहीं करूंगी। जितना ये कहेंगे बस उतना ही करूंगी, ना जौ भर काम ना जौ भर सागर। बस यही ठीक है। कुंदन लाल जब स्नान करके 9 बजे अपने घर लौटे तो सीधे अपने रसोई घर में गए और जाकर देखा तो वहां पर चौका बर्तन ही नहीं हुआ है, उनके जैसे प्राण ही सूख गए। क्या नौकर नहीं आया? तो फिर ये तो बड़ी मुश्किल है। हाँ, है तो। तुमने पड़ोस वाले नौकर को क्यों नहीं बुला लिया? अब हुक्म हुआ है तो बुला लूंगी। अरे अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? रामेश्वरी 9 बन चुके हैं और तुमने अभी तक। मैंने बुला ली थी तो मुझसे ये पूछा जाता कि किसके हुक्म से बुलाया, तो मैं क्या जवाब देती। मैंने अपनी अकल से काम लेना छोड़ दिया है, मैं तो बस आपकी अकल से काम लूंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे आंखें दिखाए। तो इस वक्त क्या होगा, क्या होगा इस वक्त? इस वक्त जो आपकी आज्ञा। तुम मुझे बना दियो। मेरी इतनी मजाल कि मैं आपको बनाऊं? मैं तो आपकी लौंडी हूं, जो आप कहोगे बस वही करूंगी। तुम्हारा जो जी में आए करो रामेश्वरी, मैं तो जाता हूं। ना तो मेरे जी में कुछ आएगा और ना मैं कुछ करूंगी। अरे आखिर तुम खाओगी क्या? बस जो आप दोगे वही खा लूंगी। अच्छा तो बाजार जाके जहर में डूबी पूरियां ले आता हूँ, उसी को ठूस लेना। हाँ ले आइए, मैं तो आप ही की अर्धांगिनी हूँ, आधी आप खाइएगा आधी मैं खा लूंगी। कुंदन लाल बाजार जाकर वहां से पूड़ियां ले आए। उस वक्त का तो उनका काम चला, फिर दफ्तर गए और देर रात जब दफ्तर से लौटे तो उन्होंने आते ही पूछा। नौकर आया? नहीं तो। लेकिन मैंने तो कहा था कि पड़ोस वाले को बुला लेना। हाँ बुलाया था, वो 5 रुपए मांगती थी। अरे मांगती थी तो 1 रुपए ज्यादा ही तो था, क्यों नहीं रख लिया? मुझे 1 रुपए ज्यादा देने की इजाजत नहीं थी। 1 रुपए ज्यादा दे देती तो मुझे भाषण दिया जाता, फिर मुझसे पूछा जाता कि इतने पैसे ज्यादा क्यों दे दी, तो मैं क्या करती। पता रामेश्वरी तुम ना बिल्कुल मूर्ख, मतलब समझती मूर्ख। मुझे
मुझे तरकारी लेने का हुक्म नहीं था। मैं पैसे देना ज्यादा दे देती तो आखिर रामेश्वरी तुम चाहती क्या? मैं अपमान नहीं चाहती। कौन करता है तुम्हारा अपमान? कौन करता है तुम्हारा अपमान? मुझे खाना नहीं मिलता यहाँ पे और लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं। इसकी जुर्रत है कि तुम्हारा अपमान करे? मेरा अपमान तुम करते और कौन करेगा? मतलब क्या मैं घर के मामलों में भी कुछ ना बोलूं, यही चाहती हूँ। तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? बोलेगा कौन? कौन है ये जो बोलेगा? कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, सिर्फ तुम ही तो हो। बहुत रात हो गई है। रामेश्वरी को तो नींद आ गई, लेकिन मैं करवटे बदलता हूँ। अगर रामेश्वरी ऐसे सहयोग करेगी तो एक दिन भी काम ना चलेगा, कल ही बड़ी मुश्किल से खाना मिले। इसकी तो समझ ही उल्टी है। मैं समझाता हूँ और ये समझती है कि डांट रहा हूँ। मुझसे ना बोले हाथ लगेगा, लेकिन अगर बोलने का ये नतीजा है तो बोलना फिजूल है, नुकसान होगा बला से। कम से कम ये तो ना होगा कि दफ्तर से आते ही बाजार भागू। लगता है इसे नौकर से रुपए वसूल करने वाली बात थी, और थी भी तो बेजान। रुपए तो वापस ना मिले, बस नौकर ने काम छोड़ दिया। अरे उठो भी, इतना सोती। हाँ तो नौकर से रुपए मत वसूल करो, जाने दो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो नौकर दरवाजे पे पैसे लिए खड़ा है। लेकिन रामेश्वरी अगर उसे पता चलेगा तो काम करे आएगा, आएगा ना? आएगा कहला भेजूंगी। भाई आज से कसम खाता हूँ तुम्हारे बीच में बिल्कुल। और जो मैं घर लुटा दूं तो? अजी तो लुटा दो, चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर तुम किसी बात पर मेरी सलाह पूछोगी तो दे दूंगा, वरना मुंह ना खोलूंगा। मैं माना ही चाहती हूँ। उस भूल को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। सच्चे दिल से कह रही हो? सच्चे दिल से। अब तो खाना मिलेगा, मिलेगा। काम हो गया, खाना 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 मिलेगा।